हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी साईफ्लाई केमिस्ट्री चैनल। तो यह है हमारा थर्ड पार्ट ऑफ ESR और EPR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो पहले दो पार्ट में हमने थ्योरी पार्ट कवर किया, बहुत सारे एग्जांपल कवर किए। अब इस पार्ट में हम जो नाइट्रोजन कंटेनिंग एग्जांपल्स होते हैं, ट्रांजिशन मेटल कंटेनिंग एग्जाम्पल होते हैं और फ्लोरीन C13 कंटेनिंग एग्जाम्पल, वो सारे एग्जाम्पल कवर करेंगे। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन करो, क्योंकि साईफ्लाई केमिस्ट्री के ऊपर बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस यहां से आगे आपको मिलने वाले हैं। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप नोटिफिकेशन बेल ऑन। सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज सेशन एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एग्जांपल ऑफ पैरा नाइट्रोबेंजीन डाइअनायन। सो हाउ मेनी EPR लाइंस वी विल गेट इन स्पेक्ट्रा ऑफ पैरा नाइट्रोबेंजीन डाइअनायन, इसके स्पेक्ट्रा में कितने EPR लाइन मिलेंगे, यह है क्वेश्चन। अब पहली बात तो यह है कि कितने EPR एक्टिव एटम्स आपको इसमें दिख रहे हैं वो मुझे बताओ। हाउ मेनी EPR एक्टिव एटम्स आर प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन, इट इज EPR एक्टिव, राइट। कौन कौन EPR एक्टिव है देखो, ऑक्सीजन नहीं है, नॉर्मल कार्बन नहीं है। सो दिस हाइड्रोजन इज EPR एक्टिव, दिस हाइड्रोजन, फोर हाइड्रोजन्स विच आर EPR एक्टिव एंड नाइट्रोजन इज ऑल्सो EPR एक्टिव। सो हमेशा याद रखना आप, देखो EPR एक्टिव यानी कि उनकी I वैल्यू कुछ तो होती है। जैसे कि हाइड्रोजन इज हैविंग I वैल्यू 1/2। नाइट्रोजन, अगर नॉर्मल नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14, तो उसका मास नंबर देते नहीं है एग्जाम में। आपको ये समझ लेना है नॉर्मल नाइट्रोजन यानी कि मास नंबर 14। सो एटॉमिक नंबर क्या है, ऑड नंबर है, मास नंबर इवन है। तो ऐसे केस में जो एटम होता है ना, उनकी आई वैल्यू इंटीजर होती है, फुल इंटीजर, और यहाँ नाइट्रोजन के केस में वो इंटीजर है 1। सो आई वैल्यू ऑफ दिस नाइट्रोजन इज 1। तो अगर आपको इसके बारे में वीडियो चाहिए, कौन से एटम के कौन कौन से आई वैल्यूज है और वो याद कैसे रखने हैं, तो सेपरेट वीडियो हम उसको बनाएंगे। बट अभी जैसे जैसे एग्जाम में एटम्स आते जाएंगे, मैं आई वैल्यू के बारे में आपको बताती जाऊंगी, ताकि सेपरेट प्रिपरेशन की जरूरत ना पड़े। हाइड्रोजन का तो सबको पता है 1/2, ड्यूटेरियम का पता है आई वैल्यू इज 1। वैसे ही नाइट्रोजन 14, नॉर्मल नाइट्रोजन, नॉट एनी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, पीरियोडिक टेबल में जो नाइट्रोजन होता है वो, उसकी आई वैल्यू 1 है। हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, नॉर्मल कार्बन, नॉर्मल ऑक्सीजन, दे आर नॉट EPR एक्टिव, तो उनको हम कंसिडर नहीं करेंगे। नाउ इन दिस अनायन द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे आर रिवॉल्विंग ऑल ओवर दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सपोज वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दो हाइड्रोजन के साथ कपल कर रहा है, इस हाइड्रोजन के साथ कपल कर रहा है और इसके साथ कपल कर रहा है। सो ये दोनों भी सेम टाइप के हाइड्रोजन है, इनको मैं नंबर देती हूँ H1, ये दोनों सेम टाइप के हैं, सो H2, राइट। सो इन दो हाइड्रोजन के साथ जब वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंटरैक्शन करेगा, कपलिंग करेगा, तो कितने लाइंस मिलेंगे, सो टू हाइड्रोजन ऑफ H1 टाइप, 2Ni+1, विच इज इक्वल टू 2N की वैल्यू 2 है, I की वैल्यू 1/2 है, +1, सो 3 आ गए, 3 लाइंस यहाँ H1 टाइप के हाइड्रोजन से मिलेगी। H1 लिखने की जगह पर मैं HA लिखती हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो, दिस इज HA। अब हम देखेंगे HB के बारे में, तो यहाँ 2 की जगह पर मैं B कर देती हूँ, HB। सो 2 HB हाइड्रोजन से, सो 2 HB हाइड्रोजन की अगेन 2 मल्टीप्लाइड बाय N वैल्यू इज 2, I वैल्यू इज 1/2, +1, अगेन 3 लाइन्स हमें मिलेगी। अब देखो, अब बचा है एक नाइट्रोजन जिसकी आई वैल्यू 1 है, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय एक नाइट्रोजन है, आई वैल्यू भी 1 है, +1, सो यहाँ पे अगेन लाइंस मिली है 3, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लीकेशन करो, टोटल लाइंस में मल्टीप्लीकेशन करो, सो टोटल हाइपरफाइन लाइंस इज इक्वल टू, यहाँ फर्स्ट लाइन हमें मिली थी ये 3, देन दिस 3, देन दिस 3, सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 27 हाइपरफाइन लाइंस यू विल गेट इन दिस स्पेक्ट्रा, ठीक है, समझ रहा है सबको। और हाइपरफाइन कपलिंग कॉन्स्टेंट जो है ना, वो नाइट्रोजन का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन।
तो नाइट्रोजन के साथ वो अनपेड इलेक्ट्रॉन पहले कपलिंग करेगा, बाद में वो लाइन स्प्लिट होगी इन दो हाइड्रोजन की वजह से, बाद में इस दो हाइड्रोजन की वजह से, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ लाइन आ गई आपकी 27। समझ में आ रहा है ये एग्जांपल? बस हाइड्रोजन ये दोनों अगर सेम टाइप के होते, ए बी टाइप अगर नहीं होता, चारों हाइड्रोजन अगर सेम टाइप के होते तो हम एन की वैल्यू 4 लेते डायरेक्टली। यहाँ पे ये दो सेपरेट और ये दो सेपरेट क्यों लिखे हैं? क्योंकि इनका टाइप अलग है, इनका एनवायरनमेंट अलग है, राइट। इन दोनों के एडजेसेंट साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप है, बी हाइड्रोजन के एडजेसेंट साइड पे NO2 ग्रुप है, सो दे हैव डिफरेंट एनवायरनमेंट एंड सो वी हैव टेकन देयर लाइन सेपरेटली एंड देन वी हैव मल्टीप्लाइड देम। समझ रहे हैं सबको? अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा CH3। बट इस CH3 में मैंने कुछ तो कार्बन के ऊपर लिखा है, यस और नो? कार्बन के ऊपर यहाँ पे क्या लिखा है? C13। सो दिस इज नॉट कार्बन विच इज इन अ नॉर्मल स्टेट, विच इज इन अ पीरियोडिक टेबल, दैट इज अ C12। दिस इज आइसोटोप ऑफ कार्बन। C13 विच इज EPR एक्टिव, C13 इज EPR एक्टिव एंड I वैल्यू ऑफ C13 इज इक्वल टू 1/2। C13 की I वैल्यू क्या है? C13 इज 1/2 और हाइड्रोजन की तो हमें पता है क्या होती है? 1/2, ठीक है। सो लेट अस फर्स्ट कपल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन के ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो इलेक्ट्रॉन कार्बन के न्यूक्लियस के साथ इंटरैक्शन करेगा और कितनी लाइंस मिलेगी? सो C13 की वजह से कितनी लाइंस मिलेगी? 2, दिस इज N, दिस इज I, प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2। 3 हाइड्रोजन की वजह से कितनी लाइंस मिलेगी? 2, दिस इज N, दिस इज I, प्लस 1 विच इज इक्वल टू 4। सो टोटल लाइंस कितनी हो गई यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू दिस 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस 4, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 8। सो द टोटल नंबर ऑफ हाइपरफाइन लाइन इन अ ESR स्पेक्ट्रा ऑफ CH3 वेयर कार्बन इज C13 इज इक्वल टू 8 लाइन। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है सबको? ओके, नाउ लेट अस चेक द नेक्स्ट एग्जांपल। बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि फर्स्ट CF2H मॉलिक्यूल में C12 लिया है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब वो C12 है, नॉर्मल एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। C13 यहाँ पे मास नंबर 13 है, यानी कि ये आइसोटोप है। C12 इनएक्टिव होता है, C13 EPR एक्टिव होता है, ठीक है ना। सो इन दोनों के लाइन में क्या डिफरेंस आएगा ये हमें यहाँ पे निकालना है। सो कैन यू ट्राई दिस एग्जाम्पल? सो ट्राई सॉल्विंग दिस एग्जाम्पल CF2H एंड CF2H वेर C13 इज यूज्ड, ठीक है। सो देखो अब यहाँ पे ये जो F है ना, F इज हैविंग I वैल्यू 1/2, F इज ऑल्सो ESR एक्टिव, हाइड्रोजन इज ESR एक्टिव, I वैल्यू 1/2, बट दिस कार्बन इज हैविंग I वैल्यू 0, सो दिस इज EPR इनएक्टिव। सो दो फ्लोरीन के वजह से कितनी लाइंस मिलेगी? 2 N I प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3। 1 हाइड्रोजन इज देयर, उसकी वजह से कितनी लाइंस मिलेगी? 2 N I प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2। सो टोटल लाइंस कितनी मिली हमें? टोटल हाइपरफाइन लाइंस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6, ठीक है। इस केस में मिली है 6 लाइंस। लेट अस चेक फॉर CF2H वेर कार्बन 13 आइसोटोप इज यूज्ड, राइट। सो अगेन 2 फ्लोरिन्स आर देयर, 1 हाइड्रोजन इज देयर एंड C13 इज देयर। सो C13 I वैल्यू, C13 I इज इक्वल टू 1/2, फ्लोरिन I वैल्यू इज 1/2 एंड हाइड्रोजन I वैल्यू इज ऑल्सो 1/2, दो फ्लोरिन है, ठीक है। सो अब स्टार्ट विथ दिस कार्बन, C13 की वजह से कितनी लाइंस मिलेगी? 2 N I प्लस 1, दो लाइंस मिलेगी। दो फ्लोरीन है, उनकी वजह से कितनी लाइंस मिलेगी? 2 N I प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3। हाइड्रोजन की वजह से कितनी लाइंस मिलेगी? 2 N I प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2। सो दिस 2, दिस 3 एंड दिस 2, टोटल लाइंस कितनी आएगी यहाँ पे? 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 12। सो यहाँ पे मिली है 12 लाइंस। डबल लाइंस मिली क्योंकि ये जो 6 लाइन थी ये अगेन
स्प्लिट हो गई दो दो लाइंस में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ C13, क्योंकि C13 की वजह से दो लाइन मिलती है, तो ये 6 लाइन, अगेन वन लाइन इज स्प्लिटेड इनटू टू लाइन, सो 6 × 2 12 लाइंस यहां पे मिले। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? सो नोट इट डाउन। सो लेट अस सी दिस एग्जाम्पल्स नाउ। एक बार एग्जाम्पल देख लो अच्छे से। सो सी, फर्स्ट एग्जाम्पल इज फेनाइल रेडिकल, राइट? दिस एग्जाम्पल इज फेनाइल रेडिकल। यहां पे क्या है कि C6H6 जो नॉर्मल बेंजीन है उसका एक हाइड्रोजन रिमूव किया है। अब आपको पता है कि सपोज ये C6H6 होता, सो दीज आर बेंजीन डबल बॉन्ड्स, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और इन सारे जगह पे एक हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो सपोज कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है पता है आपको? कार्बन ने अगर 4 बॉन्ड तैयार किए हैं उसमें से एक डबल बॉन्ड है तो उसको हम हाइब्रिडाइजेशन में कंसिडर नहीं करते। सो वी विल जस्ट कंसिडर दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड, 3 बॉन्ड्स, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये कार्बन जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब क्या हुआ, ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया तो यहाँ इस तरीके का रेडिकल तैयार हुआ। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास वैसा ही रहा, बट ये ऑर्बिटल कौन सा है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब हर एक ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 है। सो दिस इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है ना ये लोकलाइज होते हैं, ये डिस्प्लेस नहीं हो सकते अपनी जगह से। सो दिस इलेक्ट्रॉन इज ओनली प्रेजेंट एट दिस पोजीशन, दिस इलेक्ट्रॉन कैन नॉट डीलोकलाइज ओवर द ऑल स्ट्रक्चर, राइट? वो वैसा ही रहेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सारे हाइड्रोजन के साथ एक जैसे इंटरेक्शन करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि उसकी पोजीशन सिमिलर है। अब तक जो हमने एग्जाम्पल देखे थे उसमें क्या हुआ था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सारे कार्बन के ऊपर डीलोकलाइज हो सकता था, जिसकी वजह से दैट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वॉज इंटरैक्टिंग इन अ सिमिलर वे विथ ऑल हाइड्रोजन, बिकॉज दैट इलेक्ट्रॉन वॉज एबल टू डीलोकलाइज ओवर द ऑल कार्बन। हियर इलेक्ट्रॉन इज लोकलाइज्ड इन अ पर्टिकुलर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, सो दिस विल इंटरैक्ट डिफरेंटली विथ दीज टू हाइड्रोजन्स जिसको हम HA नाम देते हैं। दिस इलेक्ट्रॉन विल इंटरैक्ट डिफरेंटली विथ दीज टू हाइड्रोजन्स जिसको हम HB टाइप देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन तो इसी जगह पे है तो इस इलेक्ट्रॉन की इस हाइड्रोजन के साथ जो इंटरेक्शन होगी ना वो नेग्लिजिबल होगी, बहुत ही कम होगी, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। सो दिस हाइड्रोजन विल नॉट इफेक्टिवली इंटरेक्ट विद दिस इलेक्ट्रॉन। तो जो हमें लाइन्स मिलेगी, जो ESR लाइन मिलेगी, वो लाइन इन दो हाइड्रोजन की वजह से और इन दो हाइड्रोजन की वजह से मिलेगी। सो लेट अस कैलकुलेट हाउ मेनी लाइंस वी विल गेट इन स्पेक्ट्रा। सो ड्यू टू टू HA टाइप हाइड्रोजन्स, 2Ni+1 इज इक्वल टू 3 लाइंस मिलेगी। ड्यू टू टू HB टाइप हाइड्रोजन, 2N वैल्यू इज 2, I वैल्यू इज 1/2 +1, अगेन 3 लाइंस मिलेगी। सो टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन दिस केस, टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन दिस केस 3 × 3 इज इक्वल टू 9 लाइंस। अंडरस्टूड? हियर वी गॉट टोटल 9 लाइंस इन केस ऑफ फेनाइल रेडिकल। तो ये एक्सेप्शन याद रखना है आपको कि फेनाइल रेडिकल का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है that do not interact with all the hydrogen in a similar way, that is localized into sp2 hybridized orbital. Understood everyone? So let us take next example, that is parabenzo semiquinone radical anion. In this parabenzo, para ka matlab kya hai? At these two opposite position, semiquinone means
two double bonded oxygen will be there. Understood? Radical anion. So radical is formed here. Now, where hydrogens are? Where the hydrogens are present? So you can see here is one hydrogen, here is one hydrogen, here is one hydrogen, here is one hydrogen. But all these four hydrogens, they are of equivalent type, because radical can form here or radical can form here. Symmetric hai dono bhi. Aisa nahi hai ki yahan pe oxygen hai, yahan pe nitrogen hai. And this unpaired electron, it can delocalize over the all structure. Right, it can delocalize over the all structure. So all the four hydrogen, they are of same type. And how many lines we will got? 2n I plus 1 is equal to 4 plus 1, 5 lines. You will get there. Total 5 line. Understood? दूसरे कोई पॉसिबिलिटी है क्या लाइंस मिलने की? नहीं है. ऑक्सीजन ईपीआर इनएक्टिव है, ये कार्बन भी इनएक्टिव होंगे क्योंकि वो C12 है. सो ओनली 4 हाइड्रोजन्स एंड 5 लाइंस वी गॉट देयर. अंडरस्टूड? द नेक्स्ट एग्जांपल इज नैप्थलीन अनायन. फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ नैप्थलीन. हाउ नैप्थलीन लुक लाइक? दिस इज बेंजीन रिंग एंड टू बेंजीन रिंग फ्यूज्ड विथ ईच अदर, दे फॉर्म a naphthalene. When I draw here third ring, it will be anthracene. Right? Now, let us draw the hydrogens. So here is one hydrogen, here is one hydrogen. So you can see these two hydrogen, they are of same type. HA naam dete hai hum inko. Ab वैसे ही अगर दो hydrogen आप यहाँ पे draw करते हो, so ये जैसे है corner पे, ये भी तो corner पे है, तो ये चारों के चारों similar type के हो गए. अब जो हाइड्रोजन्स यहाँ पे ऊपर प्रेजेंट है, ये दोनों और ये दो हाइड्रोजन, दीज फोर हाइड्रोजन्स आर ऑफ सेम टाइप, इनको हम HB नाम देते हैं. तो अब कैलकुलेट करो नंबर ऑफ लाइंस. लेट अस कैलकुलेट द नंबर ऑफ लाइन. सो सी हियर, HA टाइप के फोर हाइड्रोजन्स है, इनकी लाइंस आ गई 2NI प्लस 1, 4 हाइड्रोजन है तो 5 लाइंस आती है. एच बी टाइप के 4 हाइड्रोजन है, अगेन दीज आर गोइंग टू गिव 5 लाइंस, इसके भी हमें मिली 5 लाइंस. सो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी हुई? टोटल नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 5 × 5. आंसर क्या आ गया? 5 × 5 इज इक्वल टू 25 लाइन. सो इस नैप्थलीन अनायन ने दी है टोटल 25 लाइंस इन ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो अभी आपके लिए एक होमवर्क है, अब एंथ्रासीन कितने देगा? एंथ्रासीन अनायन अगर है तो वो कितने लाइंस देगा EPR स्पेक्ट्रोस्कोपी में? कैलकुलेट करो और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताओ. ठीक है, कमेंट में आपको इसका आंसर करना है. सो दिस इज डन. नाउ NH2. अब ये फॉर्म कैसे हुआ? पहली बात तो है NH3 सबको पता है, 1, 2, 3, ये पिरामिडल होता है, ऐसे नहीं होता है, पिरामिडल होता है और ये लोन पेयर. नाउ व्हेन दिस वन हाइड्रोजन गोज विद इट्स वन इलेक्ट्रॉन, सो ओनली वन इलेक्ट्रॉन विल रिमेन विद नाइट्रोजन एंड दिस विल गेट फॉर्म NH2 विद दिस लोन पेयर एंड दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. दिस इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. नाउ द प्रॉब्लम इज दैट नाइट्रोजन इज ऑल्सो ईपीआर एक्टिव एंड हाइड्रोजन इज ऑल्सो ईपीआर एक्टिव. सो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ लाइन ऑब्टेंड ड्यू टू नाइट्रोजन. ये क्या है? नाइट्रोजन 14 है, नाइट्रोजन 714, जिसकी I वैल्यू होती है 1. सो 2NI प्लस 1, 3 लाइंस ये नाइट्रोजन देगा. दो हाइड्रोजन से, दो हाइड्रोजन कितनी लाइन देते हैं? 3. 2NI प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3. सो टोटल नंबर ऑफ लाइन्स कितनी हो गई? टोटल लाइन्स इज इक्वल टू 3 × 3 विच इज इक्वल टू 9. 9 लाइन्स मिली है हमें EPR और ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी में. अंडरस्टूड? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, सो नोट इट डाउन, वी विल टेक नेक्स्ट एग्जाम्पल. सो let us take these next example which contain copper as a central metal, and to that copper nitrogens are attached.
राइट सो आप यहाँ पे ये एग्जांपल देख सकते हो, बिस सैलिसाइल अल्डोक्सिमेटो। अब ये एग्जांपल सॉल्व करने के लिए पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझ लेना है जिसका नाम है सुपर हाइपर फाइन स्प्लिटिंग। अब तक तो आपने देखा था कि हाइपर फाइन स्प्लिटिंग होती है व्हेन एनी इलेक्ट्रॉन इट रिएक्ट और इट इंटरैक्ट विद अ न्यूक्लियर स्पिन, तो वो प्रोड्यूस करता है हाइपर फाइन लाइन्स। सिर्फ इलेक्ट्रॉन की नॉर्मल स्प्लिटिंग होती है, इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के साथ इंटरैक्ट करता है तब उसकी हाइपर फाइन स्प्लिटिंग होती है, और वही सुपर हाइपर फाइन स्प्लिटिंग, नेक्स्ट स्टेप ऑफ हाइपर फाइन इज सुपर हाइपर फाइन स्प्लिटिंग। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ तो इंटरैक्ट करेगा ही, बट उस न्यूक्लियस को अनादर ESR एक्टिव न्यूक्लियस जो अटैच है वो उनके साथ भी रिएक्ट करेगा, और वो जो सेंट्रल न्यूक्लियस है वो मेटल होना चाहिए, और मैंने जिस अनादर न्यूक्लियस की बात की थी वो होना चाहिए लिगैंड विच इज अटैच टू दैट मेटल। तो सुपर हाइपर फाइन स्प्लिटिंग का मतलब है स्प्लिटिंग बाय लिगैंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज अ सुपर हाइपर फाइन स्प्लिटिंग वेयर दैट लिगैंड इज अटैच टू द सेंट्रल ESR एक्टिव मेटल। तो पहले जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इस ESR एक्टिव कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा, और बाद में इस कॉपर को अटैच जो भी लिगैंड न्यूक्लियस है वो भी ESR एक्टिव है, तो वो प्रोड्यूस करेंगे सुपर हाइपर फाइन लाइन। यानी इस नाइट्रोजन की वजह से जो भी स्प्लिटिंग होगी, जो भी लाइंस मिलेंगे उनको हम बोलेंगे सुपर हाइपर फाइन लाइन, और इस कॉपर की वजह से जो भी लाइंस मिलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपर फाइन लाइन। तो दो टाइप के लाइंस हमें इस टाइप के कॉम्प्लेक्स में मिलती है, ठीक है। सो लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये एग्जांपल आप अच्छे से देख लो, कॉपर इज देयर। अब मैं यहाँ पे आई वैल्यू ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। सो यहाँ पे कॉपर के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3d9 इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कॉपर। सो दिस इलेक्ट्रॉन इंटरैक्ट विद न्यूक्लियस ऑफ कॉपर एंड विल प्रोड्यूस हाइपर फाइन लाइन्स, इट विल प्रोड्यूस हाइपर फाइन लाइन्स विच इज इक्वल टू 2ni+1 विच इज इक्वल टू 4। सो द नंबर ऑफ हाइपर फाइन लाइन्स आर 4। What is the number of super hyper fine lines? Super hyper fine lines. Super hyper fine lines. So, वो produce होने वाली है due to this nitrogen and this nitrogen. अब इस nitrogen को attach जो oxygen है वो ESR active नहीं है. This is not ESR active. So, we have two nitrogen. So, 2 multiplied by 2. 2ni. Nitrogen I value is 1. प्लस वन, 2×2+1, ये हो गया है 5। सो वी गॉट हियर 5 सुपर हाइपर फाइन लाइन्स। अंडरस्टूड एवरीवन? सो देयर आर 4 हाइपर फाइन लाइन एंड 5 सुपर हाइपर फाइन लाइन्स, ठीक है, समझ रहा है सबको? ओके, तो उसी तरीके से हम ये एग्जांपल सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अगेन कॉपर इज द सेंट्रल मेटल एटम, राइट। कॉपर आई वैल्यू इज 3/2, so number of hyper fine lines, number of hyper fine lines is equal to 2 multiplied by n, I value is 3/2 plus 1 which is equal to 4. Again this copper is attached to 3 nitrogen, 1, 2, 3, to iske kitne lines milegi dekho, super hyper fine lines, super हाइपर फाइन लाइन्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 नाइट्रोजन्स। सो 2ni+1, सो 3×2 is 6, 6+1 is 7, सो देर आर 7 सुपर हाइपर फाइन लाइन्स एंड देर आर 4 हाइपर फाइन लाइन्स, ठीक है। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, सो जस्ट नोट इट डाउन। So now let us solve these two example. See here, the first example contain VO2+. यहाँ पे वैनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है देखो,
ऑक्सीजन इज माइनस टू, वैनेडियम शुड बी प्लस फोर सो दैट ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट इज प्लस टू. सो हियर वैनेडियम इज प्रेजेंट इन प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट. इस दूसरे एग्जाम्पल में भी अगर आप देखते हो सो फाइव माइनस यहाँ पे माइनस टू यहाँ पे सो टोटल हो गए माइनस सेवन. सो दिस वैनेडियम शुड बी प्लस फोर सो दैट ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट इज माइनस थ्री. राइट, वैनेडियम नॉर्मल वैनेडियम इज 3d3 4s2. फोर पॉजिटिव चार्ज मीन्स रिमूवल ऑफ फोर इलेक्ट्रॉन. सो रिमूव द टू इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हियर एंड टू इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हियर. सो वैनेडियम 4 प्लस इज जस्ट 3d1. सो इट इज हैविंग वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. राइट, अब आई वैल्यू ऑफ वैनेडियम इज 7/2. ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ लाइन्स और टोटल नंबर ऑफ हाइपरफाइन लाइन्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ हाइपरफाइन लाइन्स इज इक्वल टू 2ni+1. सो 2 कैंसिल हो गए, 7+1 इज इक्वल टू 8. सो 8 हाइपरफाइन लाइन्स यू गॉट हियर. देन चेक दिस एग्जाम्पल, CuCl2 फेनांथ्रोलिन. दिस इज फेनांथ्रोलिन, इट इज अ बाइडेंटेट लिगैंड. राइट, अगेन द कॉपर आई वैल्यू इज 3/2 एंड नाइट्रोजन आई वैल्यू इज 1. सो हाइपर फाइन लाइन्स ड्यू टू कॉपर स्प्लिटिंग इज इक्वल टू हाइपर फाइन लाइन्स ड्यू टू कॉपर 2ni+1 कितने आते हैं, ये 4 आते हैं. एंड सुपर हाइपर फाइन ड्यू टू सुपर हाइपर फाइन ड्यू टू 2 नाइट्रोजन. सो 2ni+1 विच इज इक्वल टू 5. सो गॉट दिस टू एग्जाम्पल, नोट इट डाउन. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो हमारे साइफ्लाई केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को और नोटिफिकेशन ऑन रखो ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए लाएं. अगर किसी को सेट क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो उसकी एक बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है एंड नेक्स्ट बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 20th जुलाई. तो आप रजिस्ट्रेशन करके रख सकते हो वीडियो के एंड में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करके देती हूँ. ठीक है, सो नोट इट डाउन. नाउ आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑक्टाहीड्रल हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ऑफ मैंगनीज प्लस टू. तो अगर मैंगनीज प्लस टू ऑक्टाहीड्रल एनवायरनमेंट में है और हाई स्पिन है तो उसके कितने हाइपर फाइन लाइन आएंगे और कितने नॉर्मल लाइन. सो नॉर्मल लाइन्स को हम फाइन लाइन्स बोलते हैं. बाद में जो सेकंड स्प्लिटिंग होती है वो हाइपर फाइन स्प्लिटिंग होती है. ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केस. तो पहले मैंगनीज के क्वेश्चन बहुत कॉमन थे एग्जाम में, मैंगनीज प्लस टू हाई स्पिन के कई सारे क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आके गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो ये पार्ट आपको अच्छे तरीके से देखना है, सिंपल है बहुत सा. सो गिव द हेडिंग मैंगनीज प्लस टू ऑक्टाहीड्रल हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. ठीक है, सो द मैंगनीज इज प्रेजेंट इन प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विल बी 3d5. सो देर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल एंड ईच ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज अनपेयर्ड बिकॉज इट इज ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. सो t2g में 3 इलेक्ट्रॉन्स, eg में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑल द 5 इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड. अब तक सारे जो एग्जाम्पल हमने देखे जैसे कि मिथाइल रेडिकल है, NH2 रेडिकल है, राइट, बेंजोएट रेडिकल है, फेनाइल रेडिकल है, सारे रेडिकल्स में सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था. इससे पहले भी हमने वैनेडियम 4 प्लस का एग्जाम्पल देखा, वो D1 का एग्जाम्पल था, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था. उससे पहले जो कॉपर के एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए, कॉपर प्लस टू D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन यानी कि ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो नॉर्मल उनकी लाइन जो है फाइन लाइन ड्यू टू जस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ट्रांजिशन दिखाता है और फाइन लाइन उसकी 1 होती है. बाद में जब वो इलेक्ट्रॉन कॉपर के न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करेगा तो 2ni+1 से 4 लाइन्स आएगी जिसको हम हाइपर फाइन लाइन बोलते हैं. तो सिंगल इलेक्ट्रॉन की एक लाइन, अब वो लाइन फर्दर स्प्लिट होती है
ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ न्यूक्लियर स्पिन ऑफ कॉपर और विथ न्यूक्लियर स्पिन ऑफ कार्बन इन मिथाइल रेडिकल, और हमें मिलते हैं हाइपरफाइन लाइन। अगर एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, तो उस केस में मैंगनीज प्लस टू का स्टडी किया जाता है, ठीक है ना। सो सिंस दिस मैंगनीज प्लस टू इज हैविंग 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दिस इज हैविंग 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास क्या है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ड्यू टू दिस 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे सारे रेडिकल के केस में एक ही पहला ट्रांजिशन था, फाइन ट्रांजिशन ड्यू टू जस्ट इलेक्ट्रॉन, उसने न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट नहीं किया था, वैसे यहाँ पे ऑलरेडी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सो नंबर ऑफ फाइन कंपोनेंट्स आर 5, नंबर ऑफ फाइन लाइन और इसे फाइन कंपोनेंट्स भी बोला जाता है इज इक्वल टू 5, सो फाइन लाइन से 5 आ गई। नाउ जैसे ही मैंगनीज प्लस टू के पास ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, अब तक उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ने इसके न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन नहीं की है, सिर्फ उस इलेक्ट्रॉन के 5 लाइंस मिले हैं जिसे हम बोलते हैं फाइन लाइन। अब हर एक फाइन लाइन जो है वो आगे स्प्लिट होगी ड्यू टू हाइपर फाइन स्प्लिटिंग विथ न्यूक्लियस ऑफ मैंगनीज प्लस टू, ठीक है ना। सो फर्दर इच फाइन लाइन विल स्प्लिट इंटू, अब मैं यहां पे ब्लैंक स्पेस छोड़ती हूं, वो आपको फिल करने है, डैश डैश हाइपर फाइन लाइंस। अब ये सारे इक्वल इंटेंसिटी के होते हैं, अगर आप पास्कल ट्रायंगल ड्रॉ करोगे सो ऑल दिस विल बी ऑफ इक्वल इंटेंसिटी, ठीक है, हाइपर फाइन लाइंस ऑफ इक्वल इंटेंसिटी। नेबरिंग न्यूक्लियस अगर एक है तो जो भी लाइंस मिलेंगे ना उनकी इंटेंसिटी एक ही होती है। आप कोई भी एग्जांपल ले लो, ड्यूटेरियम का लो, हाइड्रोजन का लो, नाइट्रोजन का लो, एन की वैल्यू जब 1 है ना, यानी कि एक ही मैंगनीज है, तो जो भी इंटेंसिटी मिलेगी जितने भी लाइंस है, यहाँ पे कितने लाइंस मिल रहे हैं इस ब्लैंक स्पेस में, आप जो भी लाइंस फिल करोगे सबकी इंटेंसिटी एक ही होगी, ठीक है, हाइपर फाइन लाइंस ऑफ इक्वल इंटेंसिटी। कितने हाइपर फाइन लाइंस मिलेंगे दैट डिपेंड्स ऑन आई वैल्यू ऑफ मैंगनीज, सो आई वैल्यू ऑफ मैंगनीज इज इक्वल टू 5/2, ठीक है। सो द हाइपर फाइन लाइंस 2ni+1 इज इक्वल टू 6, ठीक है। सो नंबर ऑफ फाइन लाइंस आर 5, इच लाइन विल फर्दर स्प्लिट इनटू हाइपर फाइन लाइन, कितने 6, 6 हाइपर फाइन लाइन। सो टोटल लाइंस कितने मिले यहां पे, टोटल लाइंस कितने मिले, फर्स्ट मिले थे 5, इच लाइन इज स्प्लिटेड इनटू 6 लाइंस, सो 5 × 6 इज इक्वल टू 30, टोटल 30 हाइपर फाइन लाइन, एक फाइन लाइन स्प्लिट हुई है 6 हाइपर फाइन लाइन में और टोटल कितने मिले 30 हाइपर फाइन लाइन। सो रिमेंबर दिस मैंगनीज केस, इसके ऊपर ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं, सारे एग्जाम में अभी भी आ सकते हैं, सो नोट दिस पॉइंट, ये एग्जाम्पल नोट डाउन कर लो और साइफ्लाइ केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन रखो और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सो यहाँ पे हमने ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी के मोस्ट ऑफ एग्जांपल्स कवर किए हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में वो डाउट पोस्ट करके रखो, हम वहाँ पे उसका रिप्लाई देंगे। और कोर्स ज्वाइन करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे के रखती हूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।